नमस्कार। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं अपने अध्यापक कर्मचारी, सरकारी अध्यापक जो हैं, उनसे रिलेटेड बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये बताऊँगा कि हाउ टू फिल सर्विस बुक, कैसे हमने सर्विस बुक को फिल करनी है, करवानी है, सॉरी, करनी तो नहीं है, करवानी है। करवानी है, करने का ऑप्शन तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ, करवानी है। तो हमारे जिला पिथौरागढ़ के बिड़ ब्लॉक में ये कार्य हो रहा है, और इसमें क्या क्या ज़रूरी हमारे कागज़ हैं, और क्या क्या हमें इसमें अपनी चीज़ों को फिल करवाने लिए क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ सकती है, और कैसे हम इसको देख सकते हैं कि हमारी सर्विस बुक किस किस तरीके से फिल होनी है, और कितने बार हम किस किस तरीके से किस किस टॉपिक पर ये फिल होनी है, और अभी कौन सा इसमें टॉपिक फिल हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से इसमें जो हम सर्विस बुक फिल कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ प्रोफाइल की गणना कर रहे हैं कि आपकी सारी प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इसमें आपके लीव डिटेल हैं, सर्विस डिटेल हैं, और ACR डिटेल हैं, लोन डिटेल हैं, ये सब इसके अंदर ही आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसको कैसे फिल करनी है, इसको देखने के लिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिस्टम पर। और सिस्टम में जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसमें ऐसे ही बने रहिए, ताकि इसमें जो भी इससे रिलेटेड काम होता है ऑनलाइन, मैं आपकी उसकी जानकारी इस तरीके से ही देते रहूँगा। धन्यवाद। आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो सबसे पहले हम लोगों को मोजिला फायरफॉक्स खोल लेना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे IFMS में। IFMS में ये मैंने सब कुछ लॉगिन बना रखे हैं। IFMS में जाने के बाद वैसे तो आप लोगों को अपने जिसका इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने अपने आप को रजिस्टर थ्रू द, मैंने बता रखा है, फॉरगेट पासवर्ड में जाकर फॉरगेट कर लेगा। फॉरगेट पासवर्ड में जाकर कल अपना एम्प्लॉय कोड डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, गेट OTP में आएगा, और गेट OTP में जाने के बाद अपना पासवर्ड बना देगा रिक्रिएट करके, और अपने पासवर्ड से वो काम करेगा। लेकिन अभी मेरे पास जो है इस ब्लॉक के पासवर्ड है, तो उस पासवर्ड को मैं इसमें काम करूंगा, को लेके इसमें काम करता हूँ। तो अब इसमें करने के बाद ये पासवर्ड हिडन होंगे, आपको दिख भी नहीं रहे हैं शायद, दिखेंगे भी नहीं, लेकिन ये पासवर्ड आप लोग खुद अपने लिए क्रिएट करेंगे। उसके बाद ऐसे भर लेंगे। ऐसे भरने के बाद, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, खुला ही नहीं भाई साहब। 45 44 22 170 9 77 39 77 39 02 रोल सिलेक्शन। ये अब ये रोल सिलेक्शन जब ये आ जाता है, तो इसमें आपने सबसे पहले अपने माय प्रोफाइल में जाना है। माय प्रोफाइल खोलेंगे तो आपकी जो आपने प्रोफाइलिंग की है, जो आपने भरी है प्रोफाइल, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगी। जैसे कि आपका एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, स्टेट, एड्रेस, जो भी आप भरेंगे वो तो यहाँ पर दिखाई देगी। फिर अगर आपको पूरी सर्विस बुक अपनी देखनी है कि आपने कैसे उसमें काम करना है, क्या क्या भरना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं अपने उसमें चले जाता हूँ, अपने ही कोड में चले जाता हूँ, मैं अपना कोड दिखाता हूँ, उससे आप समझते जाएंगे कि इसमें होना क्या क्या है थ्रू द स्टेप। तो सर्विस बुक भरने कैसी है, सर्विस बुक को भरने के लिए, हालांकि ये सर्विस बुक कहाँ पर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए इसमें आपको भरना क्या क्या है। तो सर्विस बुक को भरने के लिए हमें अभी अभी जो हमारी प्रोफाइलिंग हो रही है, जिस प्रोफाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस प्रोफाइल को ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास अपना एम्प्लॉय कोड होगा, 2054। उसको हम एंटर करते ही हमें कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगी। देखिए, जैसे अभी मैंने अपनी प्रोफाइल कुछ भी भरी नहीं है, तो मेरी प्रोफाइल में सबसे पहले मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर भरा जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट भरा जाएगा, दोनों कॉलम खाली है। नीचे को देखते हैं तो इसमें यहीं पे मेरा नाम हिंदी में भी होगा। उसके बाद मेरी आधार कार्ड, मेरे मोबाइल, मेरा ब्लड ग्रुप जो गलत है, ईमेल आईडी होने पर ईमेल आईडी भी हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद
ये हमारा नाम वाला कॉलम के बाद आता है एड्रेस कॉलम। एड्रेस में आधे से ज्यादा लोगों के, या संपूर्ण लोगों का हम कह सकते हैं कि सारा एड्रेसिंग इसकी देहरादून की गई है, कोई भी एड्रेस इसमें सही नहीं है। अभी तक हमने कुछ एड्रेस ठीक कर लिए हैं जो हमने अपने ब्लॉक स्तर पर काम कराया, लेकिन अब इसमें एड्रेस अपना जो प्रेजेंट एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, दोनों हम ठीक करवा लेंगे। तीसरा बात आती है इसमें फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में हम सारे जितने हमारे जैसे मेरी मिसेस है, उसके बाद बच्चे हैं, उनके हम इसमें एड्रेसिंग कर देंगे। ऐड मेंबर में जाके सबको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आएगा नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल में हमारा फैमिली पेंशन और पेंशन नॉमिनी, जो ये दो कॉलम है, इन दोनों में हम 100% करके हम इस चीज को भी आगे कर देंगे। फिर चौथा काम आता है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इसको देख लेंगे। इसमें हमारा अगर डेजिग्नेशन असिस्टेंट की जगह हेड हो चुका है तो हम उसको हेड कर देंगे। क्वालिफिकेशन हमारी जो है उसको हम वो सही करवा देंगे। उसके बाद आता है सैलरी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपलॉग डॉक्यूमेंट में हमारे पास इतनी चीजें हमने अपलोड करनी है, एम्प्लॉय इमेज, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन, सिग्नेचर। तो ये सारे कॉलम जब हम अपने पूरे करते हैं तो ये सब यहाँ पर शो होने लगेंगे। जैसे ही हम अपनी पिक्चर लगाएंगे तो यहाँ पर पिक्चर शो होने लगेगी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर में अपॉइंटमेंट ऑर्डर शो होने लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो क्वालिफिकेशन जो हमने वहाँ प्रोफाइलिंग में MA, BA, BSc, MSc जो भरेंगे उसका एक प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा देंगे। एड्रेस प्रूफ में सबसे बेहतर है कि हम आधार कार्ड लगाएं, वो नहीं है वोटर आईडी लगाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट उक्त समय का, जिस समय हमें ज्वाइनिंग ली थी विभाग में आने से समय, उस समय का मेडिकल सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन भी चरित्र प्रमाण पत्र उसी समय हमें मिलाता रहता है, उसको भी हम उसमें लगा देंगे। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो उसका प्रमाण पत्र। रिजर्वेशन अगर हम रिजर्वेशन कोटे में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। सिग्नेचर आप 3 सिग्नेचर नंबर 1, 2, 3 करके एक के नीचे एक करेंगे, उसको हम स्कैन करके यहाँ पर फिट कर देंगे। ये हमारी प्रोफाइलिंग होगी। अब इस प्रोफाइलिंग का हमने इसको देखना है कि प्रोफाइलिंग ये हमारी सर्विस बुक दिखती कहाँ पर है। अब सर्विस बुक देखने के लिए हम सिंपल सिंपल जब हम गए थे तो वैसे ही, ये तो मेरा DDO का चल रहा है, मैं आपको एम्प्लॉय के उसमें ले जाता हूँ। एम्प्लॉय सेक्शन में जाने के बाद जब हम ये गए थे, हमने प्रोसीड किया था एम्प्लॉय सेक्शन में, उस समय हमने एम्प्लॉय सेक्शन में आने के बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट में आने के बाद हम सीधे यहाँ नीचे दिखेगा सर्विस बुक डिटेल। रिपोर्ट में आने के बाद पेरोल का जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन में नीचे दिखेगा सर्विस बुक डिटेल। सर्विस बुक डिटेल को जब हम खोलेंगे यहां पर हम अपनी सेवा पंजिका देख लेंगे। इस सेवा पंजिका में वही डिटेल आ रही होंगी प्रोफाइलिंग में जो हमने भरी है, जैसे एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, ये सब कुछ आया। उसके बाद हम फैमिली डिटेल ये भी हमने भर दिया, नॉमिनी डिटेल ये भी हमने भर दिया। थर्ड ऑप्शन सर्विस डिटेल, ये सर्विस डिटेल अभी नहीं खोला गया है, ये सैलरी अभी नहीं भरा गया है, ये सैलरी डिटेल इसके बाद वाले पखवाड़े में जैसे ही आदेश आएंगे उसके अंतर्गत इसमें काम किया जाएगा। इससे आगे को सैलरी डिटेल, सर्विस डिटेल, लीव डिटेल, ACR डिटेल, ये भी उसी के बाद वाले पखवाड़े में काम होंगे। अभी हम सिर्फ प्रोफाइलिंग के विषय में बात कर रहे हैं, उस प्रोफाइलिंग के विषय में ही हम काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी इसमें रिलेटेड समस्या आती है तो आप इस समस्या को मुझे, इसमें मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, इसमें कोई समस्या आती है इससे रिलेटेड, कहीं पे आपका नाम गलत है, कुछ गलत है, तो उससे रिलेटेड क्वेरीज आप मुझे इसके अंतर्गत पूछ सकते हैं। कि लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी सेवा पंजिका को जो मैंने आपको भरने का बताया है, इसमें आप अपनी सेवा पंजिका भरेंगे, और इस सेवा पंजिका को भरने के पश्चात अगर इसमें कोई परेशानी आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। और प्लीज़ इसको देखें और इसको सप्लाई